हेलो एवरी वन माई नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल वेल गाइज वन ऑफ माई व्यूवर्स हैज़ आस्ड माई क्वेश्चन दैट इज़ देर एनी डिफरेंस बिटवीन यूज़ टू एंड वुड वैन वी यूज देम फॉर पास्ट एक्टिविटीज़ को हम कुछ भी किया करते थे उसके लिए जब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और वुड का भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या अंतर होता है दोनों में या हम कर सकते हैं तो गाइज अंतर होता है अफकोर्स अंतर होता है बट एक जगह अंतर नहीं होता है तो पहले जहाँ अंतर, तो अंतर नहीं होता है उस पर काम करते हैं जब आप एक्शन की बात करते हैं, दोस्तों एक्शन का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि यार आज से दस साल पहले मैं केले के पत्ते पे खाना खाया करता था माली जी मैं ऐसे बोलता हूं हमको दिखाता हूं ये तो दिख रहा है तो अगर बोलूं कि मैं केले के पत्ते पे खाना खाया करता था थोड़ा सा ही टूटा है तो मैं कैसे बोलूंगा आई यूज टू ईट फूड ऑन बनाना ली तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं खाया करता था ये खाना क्या है एक्शन है तो बहुत ध्यान से सुनेगा जब आप एक्शन की बात करेंगे आप खाते थे आप पीते थे आप नाचते थे आप क्रिकेट खेला करते थे आप कहीं जाया करते थे तो जो भी आप एक्शन करते थे वहाँ पर आप यूज्ड टू बोले या वुड बोले दोनों ही अलाउड होता है यहाँ पर कोई फर्क नहीं है दोस्तों तो अगर मैं केले के पत्ते पे खाना खाया करता था तो मैं यूज्ड टू का भी सहारा ले सकता हूँ कि आई यूज टू ईट फूड ऑन ऑन द ऑन बनाना लीफ या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आई वुड ईट फूड ऑन बनाना लीफ तो वुड बोलो या यूज टू बोलो सेम है एक्शन के लिए जैसे जब मैं क्लास सिक्स में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था तो वैन आई वॉज इन क्लास सिक्स आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैं यूज टू का सहारा लूंगा अगर मुझे यूज टू नहीं बोलना है तो मैं वुड भी लगा सकता हूँ कि वेन आई वॉज इन क्लास सिक्स आई वुड प्ले क्रिकेट वुड प्ले क्रिकेट वुड के बाद आप देख रहे हैं प्ले आ रहा है प्ले क्या है एक्शन है तो जब आप एक्शन गिनवाना चाह रहे हैं पुराने टाइम में मैं ऐसा किया करता था तो यूज़ टू बोले या वुड बोले दोनों ही सही है दोनों में कोई फर्क नहीं ओके मैं आज से पाँच साल पहले धनिया के पत्तों का चटनी खाया करता था मुझे ऐसा बोलना है आप देख सकते हैं यहाँ पर है कोरिएंडर प्लांट है तो बोलूँ कि मैं कोरिएंडर प्लांट के पत्तों मतलब इसे हाँ पत्ता ही है प्लांट तो पत्ता ही है पौधा ही, है, पौधा ही है। इसकी इसका चटनी खाया करता है तो आई यूज़ टू या मैं चटनी बनाया करता था आई यूज़ टू मेक कोरिएंडर प्लांट्स सॉस मैं इसका सॉस बनाया करता था आई यूज़ टू ईट धनिया के पत्तों की चटनी मैं ऐसे बोल सकता हूँ तो यूज़ टू ईट मैं इसकी जगह वुड भी बोल सकता हूँ कि आई वुड ईट यू नो धनिया के पत्तों की चटनी यानी कि कोरिएंडर लीफ सॉस इस तरीके से तो यूज़ टू या वुड कहाँ पर एक जैसे एक जैसा है एक्शन में एक जैसा है तो एक्शन में तो आपकी समझ में आ गया लेकिन अंतर क्या है अगर मैं अंतर की बात करता हूँ वेट अ मिनट लेट मी प्लेस द कैमरा अगर मैं अंतर की बात करता हूँ दोस्तों तो जैसे आप स्टेट ऑफ बींग की बात करेंगे स्टेट ऑफ बींग का मतलब क्या होता है जैसे मैं लंबा हूँ मैं मोटा हूँ मैं छोटा हूँ मैं अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ मैं बीमार हूँ मैं छत पर हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ वो मेरे साथ है वो वो खराब है वो अच्छी है ये सब स्टेट ऑफ बींग है किसी का एक सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट की अवस्था है कि वो टीचर है वो डॉक्टर है स्टेट ऑफ बींग है तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सन 2010 में मैं एक डांसर हुआ करता था तो फिर ये डांसर होना क्या ये एक्शन है ना एक्शन नहीं है ये क्या है स्टेट ऑफ बीइंग है कि एक सब्जेक्ट डांसर हुआ करता था तो ये दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ यूज़ टू है हम वुड का सहारा नहीं ले सकते तो आई यूज़ टू अब वो होने के लिए हमें बी लगाना पड़ेगा आई यूज़ टू बी अ डांसर इन टू अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आई वुड बी अ डांसर इन टू गलत हो जाएगा तो अंतर समझ में आ रहा है जहाँ जहाँ एक्शन है वहाँ यूज टू भी चलेगा वुड भी चलेगा लेकिन जहाँ पर स्टेट ऑफ बींग आ जाएगा वहाँ पर सिर्फ यूस टू चलेगा और उसमें बी लगा देना यूज टू बी वहाँ पर वुड भी आप नहीं लगा सकते तो वुड यहाँ पर नहीं सूट करेगा तो बिल्कुल अंतर समझ में आ रहा होगा मैं मोटा हुआ करता था आई यूज़ टू बी फैट यूज टू बी फैट हम ये नहीं कह सकते कि आई वुड बी फैट ये गलत हो जाएगा दोस्तों समझ में आ रहा उसी तरीके से ओ, मैं एक शरारती लड़का हुआ करता था आई यूज़ टू बी अ नॉटी बॉय मैं ये नहीं कह सकता कि आई वुड बी अ नॉटी बॉय गलत हो जाएगा तो साफ अंतर दिख रहा है तो स्टेट ऑफ बींग में अंतर दिख गया फिर आते स्टेट ऑफ पोजेशन में पोजेशन का मतलब क्या होता है मेरे पास एक कार है ये मेरा एक पोजेसन है है मेरे पास तो है आई हैव अ कार लेकिन अगर मैं पास्ट की पोजीशन की बात करूं कि उस वक्त मेरे पास कुछ हुआ करता था तो वो सुनाने के लिए

पोजेशन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वुड का स्टेट ऑफ बीइंग में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वुड का यहाँ तक कि जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जैसे कि आ, मैं उससे प्यार किया करता था तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई यूज टू लव हर मैं ये नहीं कह सकता कि आई वुड लव हर यूज टू लव यूज टू लाइक ये क्या है स्टेटिव वर्ब्स है ना स्टेट है ये एक एक प्यार की एक मेंटल अवस्था है ना प्रेम दिल में था आई यूज टू लव हर मैं उससे प्यार किया करता था आप ये कभी नहीं कह सकते कि आई वुड लव हर आई वुड लाइक हर ये गलत हो जाएगा तो अंतर कुछ समझ में आ रहा है कि जहां पर एक्शन है वहां पर आप यूज टू और वुड का इस्तेमाल कीजिए एक्शन में भी मैं अगर स्टेटिव वर्ब को छोड़ दूँ स्टेटिव मतलब ये लव ये लाइक like, ये तो स्टेटिव वर्ब्स हैं ना इसको अगर मैं छोड़ दूँ उसके अलावा जो एक्शन है वो तो आप समझते इसमें कंटिन्यूटी लगता रहता है वो एक्शन और एक स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते इस इसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो आप समझ लीजिएगा तो इसमें वुड नहीं लगेगा इस्टेटिव वर्ग वाले में स्टेट ऑफ बींग दिखाना है अच्छा बुरा डॉक्टर इंजीनियर इसमें वुड नहीं लगेगा स्टेट ऑफ पजेसन दिखाना है मेरे पास एक गाड़ी हुई कर हुआ करती थी मेरे पास ये हुआ करता था वो हुआ करता था इसमें हमें वुड नहीं लगाना है हमें सिर्फ यूज़ टू का इस्तेमाल करना है अगर पजेसन है तो यूज़ टू हैव कर देना है स्टेट ऑफ बींग है तो यूज़ टू बी कर देना है ओके आ, मैं उसका दोस्त हुआ करता था आई यूज़ टू बी हिज फ्रेंड वो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी शी यूज़ टू बी माई गर्ल फ्रेंड ओके मेरे पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी ये सब यूज टू फैमिली है मैं ये कभी नहीं कह सकता कि आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी नहीं हो पाया हाँ लेकिन मैं उसके घर जाया करता था आई वुड आई वुड गो टू हर होम या आई यूज़ टू गो टू हर होम एकदम करेक्ट है हम दोनों बातें किया करते थे <clears throat> वी वुड टॉक या वी यूज टू टॉक एकदम सही है दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम मूवी uh, देखा करते थे वी वुड वॉच मूवीज या वी यूज टू वॉच मूवीज हम मूवीज देखा करते थे ओके okay? हम एक दूसरे से लड़ा करते थे वी वुड फाइट या वी वुड क्वारल विद ईच अदर है क्या हो गया या वी यूज टू क्वारल विद ईच अदर तो समझ में आ रहा है तो ये फ़र्क है आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ओके okay? हम खेला करते थे वी यूज टू प्ले या वी वुड प्ले ओके Uh, वो मुझे डांटा करती थी शी यूज़ टू स्कॉल्ड मी या शी वुड स्कॉल्ड मी एकदम क्लियर है ना दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन वो uh, मोटी हुआ करती थी कि फिर ऐसे कैसे होगा शी यूज़ टू बी फैट इसमें वुड नहीं लगा सकते शी वुड बी फैट हम नहीं लगा सकते तो समझ में आ रहा है तो बस यही था दोस्तों आई होप जिन्होंने पूछा है उनके समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है यूज़ टू में और वुड में तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में टिल दिन टेक केयर की के प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू गाइस